साल 1980 में एक ऐसा अधिनियम लाया गया जिसका जोर राष्ट्रीय सुरक्षा पर था, जिसका मकसद देश की संप्रभुता को एक डोर में बांधे रखना था। इस अधिनियम का नाम था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। इस अधिनियम ने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सरकार के हाथ मजबूत किए। इस कानून को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि यह कानून कैसे काम करता है, इसे किन हालातों में लगाया जाता है और किन परिस्थितियों में किसी शहरी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। अक्सर दंगे होने की स्थिति में रासुका की तामील की जाती है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को पहले 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर अगर जरूरत पड़े तो 3-3 महीने के लिए गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एक बार में 3 महीने से ज्यादा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि अगर किसी अधिकारी ने कोई गिरफ्तारी की हो तो उसे राज्य सरकार को बताना होगा कि उसने किस आधार पर गिरफ्तारी की है। जब तक राज्य सरकार इस गिरफ्तारी का अनुमोदन ना कर दे तब तक यह गिरफ्तारी 12 दिन से ज्यादा समय की नहीं हो सकती। अगर कथित अधिकारी 5 से 10 दिन में जवाब दाखिल करता है तो इस अवधि को 12 की जगह 15 दिन किया जा सकता है। अगर रिपोर्ट को राज्य सरकार स्वीकार कर लेती है तो इसे 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को भेजना होता है। इसमें इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि किस आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार का इस पर क्या विचार है और यह आदेश क्यों जरूरी है? इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की स्थिति को समझना भी जरूरी हो जाता है। अगर गिरफ्तारी की वजह पर्याप्त हो तो व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि से 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। समयावधि पूरी होने से पहले ना तो सजा समाप्त की जा सकती है और न ही इसमें फेरबदल हो सकता है।